इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ निभाना साथिया सीरियल के बारे में। स्टार प्लस का ये शो आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, हालांकि इसको बंद हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, और आज भी इससे जुड़े जो सीन्स हैं, जो मीम्स बनते रहते हैं काफी ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज तक। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि साथ निभाना साथिया सीरियल क्यों बंद हो गया था, मतलब 8 साल चलने के बाद आखिर इस सीरियल को क्यों बंद होना पड़ा था, और इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ निभाना साथिया सीरियल स्टार्ट हुआ था 3 मई 2010 को, और इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 23 जुलाई 2017 को, और इसके टोटल 2184 एपिसोड बने थे। साथ निभाना साथिया स्टोरी होती है दो बहनों की, गोपी और राशि, जिनकी की एक ही फैमिली में शादी होती है, और वहां पर चालू होता है थोड़ा बहुत सास बहू का ड्रामा। और इस शो में कोकिला और गोपी बहू की जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। और इसकी एक छोटी सी क्लिप है जिसमें गोपी बहू अपने हस्बैंड का जो लैपटॉप है वो साफ करने के लिए धो देती है, और ये वाली क्लिप आज भी आपको बहुत सारी फनी वीडियोस में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सीरियल काफी सही चल रहा था, टीआरपी आ रही थी, 8 साल लंबा सीरियल था, काफी पॉपुलर भी था, लेकिन फिर भी इसको बंद क्यों होना पड़ा, ऐसी आखिर क्या मजबूरी थी। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो इसमें कुछ र्यूमर्स भी आए थे उस टाइम पर कि जो देवोलीना भट्टाचार्जी हैं, जिन्होंने के गोपी बहू का रोल प्ले किया था और हाल ही में वो बिग बॉस में भी देखने को मिली थी, तो उन्होंने डिमांड की थी कि उनकी जो पर एपिसोड फी है जो कि 1.5 लाख रुपए थी, वो चाहती थी कि उनकी फीस को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए, तो इसीलिए शो को बंद होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों ये न्यूज में कोई दम नहीं था, उन्होंने खुद मना कर दिया था कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तो ये सिर्फ र्यूमर्स थे। और जो मेन रीजन सामने आता है वो ये था कि जो शो के प्रोड्यूसर्स थे और जो चैनल है उनके बीच कुछ मतभेद चल रहा था, इसी वजह से जो है शो को बंद करना पड़ा था। तो गाइस यही था मेन रीजन साथ निभाना साथिया के 8 साल कंटिन्यूस चलने के बाद बंद होने का मेन रीजन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।